हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम शॉर्टवेव आर FM2 103.5 MHz पर। समीन, अभी थोड़ी देर बाद के ICC श्रीनगर में पंचायती आउटरीच कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसकी सदारत लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला करेंगे। आइए इस तकरीब के रवान तबसीरे के लिए आपको सीधे के ICC श्रीनगर लिए चलते हैं। समीन मोहतरम आदाब, हम आपसे मुखातिब हैं जिले डल के किनारे SKICC के तासीर हाल से, जहां आज लोकसभा के ज़ेर एहतमाम पंचायत कॉन्फ्रेंस आप कहिए या कैसा प्रोग्राम, जो लोकसभा की कोशिश है कि वो पंचायतों तक पहुंचकर, पंचों से मिलकर, काउंसलर से मिलकर पंचायती राज इदारों को मजबूत से मजबूतर किया जा सके। आपको बताते चलें, अभी कुछ देर के बाद ये फंक्शन इसका इफ्तिताह होगा और इफ्तिताही तकरीब की सदारत खुद इज्जत माब स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी कर रहे हैं, और ऐवान सदारत में उनके साथ जो मेहमान हैं, हम आपको मुतल्ला करेंगे। लेकिन अभी तक ऑडिटोरियम में जहां सभी मेहमान पहुंच चुके हैं, मेहमान खसूसी और उनके साथियों का ऐवान सदारत में, जिनको आज तशरीफ़ फरमा होंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनका इंतज़ार हो रहा है। और उम्मीद है कि अभी चंद मिनटों के बाद बाज़ाब्ता इसका आगाज़ होगा, ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। जो आज ऑडिटोरियम में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मेंबरान जो पंचायत के हैं या ज़िला तरक्याती काउंसिल के, ब्लॉक तरक्याती काउंसिल के, जिनको उर्फ आम में हम यहाँ पे DDC मेंबर्स या BDC मेंबर, स्पेशली जो चेयरमैन हैं, उनको आज मदु किया गया है इस प्रोग्राम में। आज एक तो जहाँ हमारे ख़ास मेहमान एक्सपर्ट्स मंच पर आकर बोलेंगे पंचायती राज की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए, वहीं ये भी है कि आज कई प्रोग्राम रखे गए हैं। दूबदू बात होगी आज हमारे सरपंचों की मेंबराने पार्लियामेंट से। आपको याद दिलाएं कि मुल्क में जो तरीक़ेकार जमहूरियत का, हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, यहाँ पर तीन पहियों की जमहूरियत की बात कही, 3 टायर कही जाती है, जिसकी बुनियाद पंचायत से शुरू होकर असेंबली और फिर पार्लियामान। पार्लियामान को मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है। और आज का ये जो खूबसूरत ख्याल या आइडिया है, वो ये है कि सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के मेंबरान आज पंचायतों के मेंबर से मिलकर, इदारों के मेंबरों से मिलकर, वो उनसे आज बात करेंगे, अपनी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से कानून साजी का मामला क्या रहता है, और दूसरी तरफ से कि आवाम के मसाइल जो उनको किस तरह से हल किया जा सके। और एक एक करके मेहमान अब हॉल में शामिल होना शुरू हो गए हैं, और डॉक्टर निर्मल सिंह को हम आते हुए देख रहे हैं, जो ऐवान सदारत में अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं, जहां ऑलरेडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो वहां तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। और इनके साथ साथ हम देख रहे हैं मेहमानों में आज के हमारे और एक मेहमान भी ऐवान सदारत में पहुँच चुके हैं। तो ये कार्रवाई यहाँ जा रही है, और हमारे दूसरे मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए जो लोग यहाँ पे आए हैं, उनमें से हमारे मशीरान जो LG साहब के हैं, ख़ुद आज LG साहब का इस वक्त इंतज़ार हो रहा है, वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। हॉल में जो मधु इनवाइटेड लोग जो थे, वो आ चुके हैं, सिर्फ मंच पर मौजूद ऐवान सदारत में मौजूद, जिनमें स्पीकर साहब खुद जो इसकी सदारत भी कर रहे हैं, वो अभी आने बाकी हैं, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके फौरन बाद ये जो आज का फंक्शन है, ये शुरू होगा। फंक्शन के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो अन्नपूर्णा देवी जी ये मिनिस्टर हैं, वज़ीर ममलिकत हैं, महकमे तालीम से इनका ताल्लुक़ है, वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और डॉक्टर निर्मल सिंह मेंबर पार्लियामेंट ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन हमें इंतज़ार है अभी जनाब ओम बिरला जी का, जनाब प्रहलाद सिंह पाटिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति, और
दूसरी जानब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा, उनके साथ रामदास अठवाले मिनिस्टर ममलिकत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उत्पल कुमार सिंह जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, ये मैं ऐवान पर जो हमारे मेहमान आज तशरीफ फरमा होने वाले हैं उनका इंतज़ार हो रहा है यहाँ इस ICC के तासीर हाल में, जहाँ वो सरगर्मियाँ वो जोश देखा जा रहा है, जहाँ पर ये मैं इसे नाम दूंगा पंचायतों के लिए खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मेंबरान पार्लियामेंट की और आज हमारे पंचों की मुलाकात होने जा रही है, या पंचायती राज इदारे जितने भी हैं उनको मुस्तहकम करने के लिए, उनको ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए, उनको ज़्यादा फ़ायदा मंद बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर ये आपस में गुफ्तगुशनीद होगी। ये कार्रवाई यहाँ जारी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं मेहमानों का। जो ही मेहमान आ जाते हैं तो यहाँ से कार्रवाई इफ्तिताही जो आज का सेशन है उसके लिए हम आपको मंच की तरफ ले जाकर वहाँ से ये बराह रास्त ऑल इंडिया रेडियो के तमाम साइमीन तक हमारा ये प्रोग्राम पहुँचेगा। और आपको यहाँ बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो की जो टीम इस वक्त मेरे साथ तासीर हाल SKICC में बैठी है, जो ये इंतज़ाम कर रही है आपके लिए कि आने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनकी बात और इस आज की कॉन्फ्रेंस को मिनवन आप तक पहुँचाया जाए, उनमें मेरे साथ हैं इंजीनियर्स में जनाब सुंदर अमन, मुश्ताक अहमद डार, IP सिंह, और मेरे को प्रोड्यूसर हैं इस आज की नशरियात के लिए वसीम फारूक। और हमें इंतज़ार है कि जो ही हमारे मेहमान आ रहे हैं तो वहाँ से बराह रास्त आपको कार्रवाई की तरफ ले जाएंगे और मंच की तरफ ले जाएंगे, और आप ये कार्रवाई इस प्रोग्राम के जितने भी हिस्से मैंने आपको बता दिए कि एक इफ्तिताही सेशन होगा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है, उसके साथ ही हाशिए पर यानी दूसरे हॉल में दूसरी जगहों पर पार्लियामेंट मेंबर और काउंसलर्स की, पंचायतों के मेंबर्स की, सरपंचस की एक मीटिंग होगी, उनकी दूबदू बात होगी, वो आपसे आपस में आज से मिलेंगे, तो इस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी हॉल में यूं कहिए कि सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि मेहमान खुसूसी जनाब ओम बिरला जी आए, और इस बीच सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उत्पल कुमार सिंह जी ने अपनी सीट ले ली है मंच पे, और इससे ये अब चंद ही लम्हों में हमारे मेहमान खुसूसी बल्कि सदर महफिल रईस महफिल और जिनका ये आइडिया है लोकसभा का कि इस प्रोग्राम का इनेकाद, वो खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। और दूसरी तरफ से हमारी पहली लाइन जो ऑडिटोरियम की है उसमें LG साहब के मशीर, पुलिस और इंतज़ामिया के आला अहदेदार वो तशरीफ़ फरमा है, वो भी इंतज़ार में हैं, और मेहमान के आते ही यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। तब तक हम आपको इस प्रोग्राम के हवाले से जितनी नज़ाकतें हम तक पहुँची हैं, जो मामला हमें मालूम हो सके हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे पहले भी हमने गुजारिश की कि बुनियादी सतह पर जहां सबसे बड़ी पंचायत मुल्क की वो पार्लियामेंट होती है, लेकिन जमहूरी मुल्कों में माना जाता है कि जमहूरियत की पहली बुनियाद वो पंचायत होता है, जो गांव में काम करता है, देहात में काम करता है, ब्लॉक काउंसिल है, ज़िला काउंसिल है, कमेटियां हैं, ये सब इदारे जो बुनियादी सतह पर काम कर रहे हैं अवामी राज में या जमहूरी अदवार में, इन इकाइयों की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। इस अहमियत को मापते हुए लोकसभा ने ये सोचा है कि इस तरह से प्रोग्राम किए जाए और मेंबरान पार्लियामेंट को मिलवाया जाए सरपंचों के साथ, एक तजुर्बे की बात होगी आपस में, एक मामलात की बात होगी, शायद पंच भी कुछ जानना चाहेंगे या कुछ उनकी बातें जो पार्लियामेंट, और एक उम्मीद ये भी पैदा होती है कि आज जो सेशन्स होंगे अलग अलग उसमें जो मामलात पंचों के हैं, सरपंचों के हैं, काउंसलर्स के हैं, बिलखसूस जम्मू कश्मीर ज़ेरे मरकज इलाके में जो मामले होंगे, तो वहाँ पे उसमें देखा जा ये जाएगा कि शायद कुछ रिकमेंडेशन यहाँ से जाने के बाद 20 से ज़ायद मेंबर पार्लियामेंट इस आज की फंक्शन में शिरकत कर रहे हैं, कुछ रिकमेंडेशन जाएंगी, कुछ सिफारिशें जाएंगी, या कुछ अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने जाएगी पार्लियामेंट की तरफ से, जिससे
जम्मू कश्मीर में काम करने वाले इन इदारों को और इनके मेंबरान के लिए जो ज़रूरी बातें बनती हैं हम उम्मीद कर सकते हैं उन पर भी आज गौरखौज होगा और इस तरह से एक सूदमंद ये कॉन्फ्रेंस साबित हो जाएगी। तो इस तरह से जो इंतज़ार की घड़ियाँ शायद अभी ख़त्म होने वाली हैं और बाज़ाब्ता मंच पर इंतज़ार किया जा रहा है जो कि हमारे मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। और आपको याद दिला दें कि आज सदारत कर रहे हैं स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी। ओम बिरला जी का इंतज़ार उनके साथ वज़राए ममलिकत उनको भी आज उनके साथ यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना है। और कुछ देर बाद यहाँ पे तासीर हाल SKICC पहुँच जाएंगे और इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि ये फंक्शन जो अभी शुरू होना है ये फंक्शन शुरू हो जाएगा। और मैनो अन इसकी कार्रवाई ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर आप तक पहुँचाएगा। इसका इंतज़ाम हो चुका और हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं इसी तासीर हाल से जहाँ मेहमान खुसूसी और उनके साथियों का शुरका का मेंबरान पार्लियामेंट का इंतज़ार किया जा रहा है। जमहूरियत और जमहूरी अकदार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जमहूरी इदारों को मजबूत किया जाए। शायद इस बीच मैं देख रहा हूँ कि सदर दरवाजे से तासीर हाल में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी आ चुके हैं। वो अब पहली रो जो है पहली सब जो है उसमें शामिल हो गए अपने साथियों के साथ। यहां आए सभी मौजूद मेहमान को बताना चाहेंगे और अब कुछ ही पदों में हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी और बाकी हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे बीच होंगे। तो बस कुछ ही पदों का और इंतजार उसके बाद आज की तकरीब को हम शुरू करेंगे। बस कुछ देर का इंतजार। शुक्रिया। मरकजी सिटी से यह अनाउंसमेंट आप तक आ रही थी। वहाँ पे जो आज डाइस इंचार्ज हैं तबरेज मदनी वो ये इतला दे रहे थे मेहमानों को जो कि हाल में मौजूद हैं कि अभी कुछ पलों में हमारे मेहमान आ रहे हैं और ये फंक्शन तब शुरू होगी और फिलहाल इंतज़ार बाकी है चंद लम्हों का हमारे मेहमान खुसूसी का मेंबरान पार्लियामेंट का। और मेंबरान पार्लियामेंट भी आ रहे हैं मशीरान भी आ रहे हैं और कुछ वज़राए ममलिकत सीनियर अराकीन जो मरकजी सरकार के हैं वो आज ओम बिरला जी के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। हमें इंतज़ार है उनके आने का। और हाल में मुकम्मल खामोशी खूबसूरत सा हाल जो ऑडिटोरियम में तासीर हाल है SKICC का और पूरा हॉल भरा हुआ है। और यहाँ जो मधु लोग हैं उनमें सरपंच काउंसलर्स हैं चेयरमैन हैं और ये सब लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि फंक्शन कन्वोकेशन सेंटर में इस वक्त सिर्फ इंतज़ार है कि मेहमान आ जाएं और ये कार्रवाई शुरू हो जाए। आज के जो हमारे मेहमानों में हैं सदर दरवाजे से इस तासीर हाल में अब मौजूद हैं दिलबाग सिंह जी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा वो आ चुके हैं यहाँ। दिलबाग सिंह जी उन्होंने अब वो अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं और इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो कि आज ऐवान सदारत में जो हमारे ख़ास लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी आ चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा हैं अन्नपूर्ण देवी महकमे तालीम की जो वज़ीर ममलिकत हैं मेंबर वो भी आ चुकी हैं। और हमारा इंतज़ार अब हमारे मेहमान और सदर महफिल जो कि आज मेहमान खुसूसी भी हैं जनाब ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर उनकी तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार किया जा रहा है। हम पल पल आपको बाखबर करेंगे और उम्मीद है बहुत कम वक्त में अब SKICC श्रीनगर में ये फंक्शन शुरू किया जा रहा है कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में। और अब उस तरफ से हमारे मेहमान और मैं देख रहा हूँ कि ओम बिरला जी तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे दूसरे मेहमान वो बिल्कुल जी मंच पर पहुँच चुके हैं। सब लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और वो लोग मंच पर
दूसरे लोगों की तरफ उनके आने पर वो शुक्राने का वो इजहार किया जा रहा है। ओम बिरला जी और उनके साथियों ने अपनी सीट ले ली है और अब शुरू होती है यहाँ से फंक्शन। में मेन मंच की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। घर फिर दोस्त बर रुए जमीअस्त, हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। और आज इसी स्वर्ग पर इस शानदार से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। जी हाँ, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूटी जेएनके, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। आज के इस खास मौके पर आप सब हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है प्राइड ने, यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज, लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जे एंड के गवर्नमेंट। मैं यहाँ आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। खासकर मैं श्री ओम बिरला जी ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा जी का इस्तकबाल करता हूँ। हम इस्तकबाल करते हैं श्री मनोज सिन्हा साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे बीच हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपका भी बहुत बहुत वेलकम सर। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी हमारे बीच हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैम आपका भी बहुत बहुत वेलकम। हमारे बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे बीच श्री उत्पल कुमार सिंह जी हैं, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। और हमारे बीच हैं श्री निर्मल कुमार सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी मेहमानों का स्टेज पर बहुत बहुत वेलकम, और बाकी आए हुए तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ पर लैंप लाइटनिंग होगी, तो सभी मौजूद मेहमानों से गुजारिश कि लाइटनिंग के लिए, लैंप लाइटनिंग के लिए खड़े हो जाएं प्लीज़। डिग्निटी से गुजारिश के लाइटनिंग के लिए सामने आएं ताकि हम ये लैंप लाइटन कर सकें। ज़ोरदार तालियां प्लीज़। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने दिए रोशन करके इस तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी दिया रोशन कर रहे हैं, उनके साथ दीगर जो वज़राए ममलिकत, और हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब ओम बिरला साहब है स्पीकर लोकसभा, वो दिया रोशन करके इस महफिल का पुरतपाक आगाज़ कर रहे हैं। आगाज़ हो चुका है महफिल का और मेहमानान तालियों से खैर मकदम कर रहे हैं इस तकरीब का, और इस वक्त दिए रोशन किए जा रहे हैं जो कि प्रतीक हैं, सिंबल हैं रोशनी का, जो रोशनी आज इस हॉल से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में फैल रही हैं। दिए रोशन करने के बाद मेहमानान अपनी अपनी नशस्तों की तरफ वापस जा रहे हैं। हम सलाम करते हैं उस सोच को, वो सोच जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी ने दी कि एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया कि जिससे हमारे पंचायती राज इदारों को एम्पावर किया जाए। पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हालांकि पहला प्रोग्राम जो हुआ वो उत्तराखंड के देहरादून इलाके में किया गया 8 जनवरी 2021 को,
जहां पर तकरीबन 445 पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की और 40,000 से ज़्यादा ऑफिशियल्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को वेब लिंक के ज़रिए इस प्रोग्राम में जोड़ा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की ऑनलाइन। और इसके बाद जो प्रोग्राम सेकेंड फेज़ में ऑर्गेनाइज हुआ वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ, जिसमें मेघालय, शिलोंग, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, जिन्होंने फिज़िकली इस प्रोग्राम में शिरकत की, और वहाँ भी ऑनलाइन हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स और बाकी आम जनता भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और इस तरह से ये प्रोग्राम वहाँ भी खुश असलूबी के साथ मुकम्मल किया गया। और अभी अभी 27 अगस्त को लद्दाख में ये आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने ऑनलाइन इस प्रोग्राम को अटेंड किया और फिज़िकली बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस प्रोग्राम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। और आज हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि बहुत जल्द इस शहर का नाम भी लिया गया, इस शहर को चुना गया कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, और आज इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम कर चुके हैं, और आज पूरा दिन ये प्रोग्राम यहाँ चलेगा, जिसमें मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस हैं और जिससे एम्पावर किया जाएगा ग्रास रूट लेवल से हमारे लीडर्स को, और पूरा शुरुआत से लेकर यानी निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक जमहूरी जो निज़ाम है उसे मजबूत और ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ कायम किया जाएगा। अब मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में आज के दिन चाहूँगा कि हमारे साथ श्री निर्मल कुमार सिंह जी हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, कि वो आज के दिन अपने ख्यालात का इजहार करें, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां प्लीज। हमारे लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे बीच मिनिस्टर ऑफ स्टेट अन्नपूर्णा जी उपस्थित हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, उत्पल कुमार सिंह जी जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के। मेरे सामने हमारे एमपीज हैं, ऑनरेबल एडवाइजर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स, और ख़ास तौर पर आज के जो मेहमान हैं हमारे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसके डीडीसी के चेयरपर्सन्स, बाकी मेम्बरान, पीडीसी के लोग, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं लोकसभा और विशेष तौर पर ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही एक विजनरी प्रोग्राम ये लिया है, और श्रीनगर को इस कार्यक्रम के लिए चुनना जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही वेलकम है, और मैं महसूस करता हूँ इस प्रकार का जो कार्यक्रम है उसी उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वो जम्मू कश्मीर में थी। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जम्मू के नुमाइंदे हैं, और ये एक मौका हमें मिल रहा है, जो इन सेशंस में बातचीत होगी वो तो होगी, हम हमारा जिम्मेदारी क्या है, कैसे हमने काम करना है, इस प्रकार की जो अनुभवी लोग हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो हमें बताएंगे ही, लेकिन जो आपस में इंट्रैक्शन होगा, जम्मू के कश्मीर के जो नुमाइंदे आपस में मिलेंगे, आपस में बातचीत होगी, और यहाँ तक कि कश्मीर के अलग अलग जिलों के लोग, जम्मू के अलग अलग के जिलों के लोग आपस में जब वो लोग मिलेंगे, और ये जो संवाद है, इस संवाद की मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी आवश्यकता है।
तो ये कार्यक्रम उसके लिए मील का पत्थर बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जब मैं जम्मू का, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ, जब मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर नज़र डालता हूँ इतिहास के ऊपर, कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया, और अगर जितने भी लोकतंत्र व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनके ऊपर अगर हम नज़र मारते डालते हैं, तो भारत जो है मुझे लगता है कुछ जो नौजवान डेमोक्रेसीज हैं उसमें आता है। और पिछले 70-72 सालों में जिस प्रकार से हम मैच्योर हुए हैं, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इतनी भिन्नताएं, अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं, उसके बावजूद में जिस प्रकार के हम टेस्ट से पास जो है आगे निकले हैं, सारी चैलेंजेस के बावजूद, तो मुझे लगता है कि एक ये हमारे यहाँ की इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सोच, वो उसका उदाहरण है। लेकिन हम जब जम्मू कश्मीर के ऊपर हम नज़र डालते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी हैं, उनका जो उत्थान होना था वो कंपैरेटिवली धीमी गति से हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो राज्य जो असेंबली है उसकी व्यवस्था बनी, इलेक्शंस होते रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो सिक्योरिटी सिनेरियो के कारण, प्रॉक्सी वार, जो टेररिज्म के कारण, बड़ी बार यहाँ पर जो है गवर्नर रूल रहा, और जहाँ लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको काम करने का जो मौका मिला, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो संस्था थी पंचायती राज, अगर उसके ऊपर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि मैं बचपन में कभी इलेक्शंस हुए होंगे पंचायतों के, लेकिन जो इलेक्शन जो है पहले अटल जी जब आए 23 साल के बाद इलेक्शंस हुए थे यहाँ पंचायतों के, लेकिन पंचायतें जो थी सरपंचेस के बाद जो है वो कभी आगे बढ़ी नहीं, उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए। और बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से, डायरेक्शन से, जिस प्रकार से अभी जो पंचायती राज के इलेक्शंस हुए हैं, और पहली बार जो प्रक्रिया जो थी, जो 3-tier सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ है, मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से जो गुलदस्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, जो ग्रास रूट लेवल के नेता जो हैं, गांव से लेकर और जिला तक के जो लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनका मेन फोकस जो है डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसकी जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो आज बैठे हैं, एक बहुत बड़ा, एक मैं कहता हूँ कि एक ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण की बात है। ये भाई और बहनों, दूसरी बात जो मैंने शुरू में कहा कि जम्मू कश्मीर में यहाँ शांति हो, तरक्की तामीर हो, हम आगे बढ़ें इसके लिए, और जम्मू कश्मीर एक यूनिट के तौर पर रहे, क्योंकि हम अगर 72 सालों के ऊपर नज़र डालें, पॉलिटिकल लेवल पर तो हम जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, लेकिन सामाजिक स्तर के ऊपर, मानसिक तौर पर जम्मू और कश्मीर में जो एक कहना चाहिए, कई कारणों के कारण जो एक जो भिन्नता नज़र आती है, दूरियां नज़र आती हैं, मुझे लगता है कि दूसरा ऐसा एरिया है जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के हम लोगों को उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट रहे, आपस में दूरियां कम हों, आपस में हम मिलें, और जम्मू कश्मीर के शांति, तरक्की और तामीर के लिए हम आगे बढ़ें, इसके लिए ज़रूरत है कि हम आपस में हमारा इंटरेक्शन हो। और उसके लिए मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो कार्यक्रम है उसके लिए एक मील का पत्थर जो है साबित हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में जो लीडरशिप यहाँ पर उभर रही है, जिस प्रकार से गांव-गांव के स्तर के ऊपर, और लोकतंत्र का जो बेसिक स्पिरिट है कि पार्लियामेंट लेवल पर, असेंबली लेवल पर तो हम ठीक है, हमारा चल रहा है,
लेकिन जब तक आम लोगों को जोड़ने के लिए जो आवश्यकता है वो इसकी आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रक्रिया की आवश्यकता थी जो आज ये शुरू हुई है। इलेक्शंस के बाद यहाँ पर लोग जो है सीधे फंड्स जो है गांवों में जा रहे हैं, आम आदमी तक पहुँच जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के तरक्की तामीर और शांति व्यवस्था के लिए, हमारी एकता के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये मील पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने थोड़ा सा अपने जो है विचार प्रकट कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्री निर्मल कुमार सिंह जी का। और अब मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, कि वो आज के दिन अपने ख्याल का इजहार करें। जोरदार तालियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए। जनाब स्पीकर, लोकसभा साहब, हमारे रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब, स्टेज पे बैठे हुए मंत्रीगण और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल, आए हुए बाहर से मेहमान और पंचायत के जो मेंबरान हैं, आप सबको मेरा सलाम अलैकुम। पंचायत राज, मुझे याद है कि जब हम हुकूमत में आए तो एक नया पंचायत राज बनाना पड़ा। उसके लिए मैं पहले उन लोगों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें हमारी मदद की। एक जॉर्ज मैथ्यू थे, आज भी जिंदा हैं, उन्होंने हमें इसकी तरफ तवज्जो दिलाई और हमारी मदद की। और उस वक्त हमारे मंत्री प्यारेलाल हंडू साहब, जो आज जिंदा नहीं हैं, वो राठर साहब और शफी उड़ी साहब को मैंने गवर्नर साहब भेजा, सबसे बड़ी रियासत हिंदुस्तान की कर्नाटका में बहुत शानदार पंचायती राज कायम किया गया था। तो हम गए उनका वो मसौदा देखने के लिए और उसी के तरीके पे हमने यहाँ पे पंचायती राज का एक इंतज़ाम रखा। और थ्री टीयर थी, आज भी थ्री टीयर हैं। मेरे वक्त में इलेक्शन हुए, बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आतंकवाद था, कई लोग मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, मगर हम लोग डटे रहे कि ये करना है। दो टियर का तो हमने इलेक्शन किया, तीसरे टियर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और स्पीकर साहब, हमारी एक मुश्किल आ गई। एमएलएज ने कहा कि हमारा और जो इसका चेयरमैन बनेगा उनका फिर क्या रहेगा काम, फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बताऊं, खुदा ही रहम करे इस वतन पे और मुल्क पे कि ऐसी हालत हो गई। आप सुनिए, पहले हालत ऐसी हुई कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट वी मैनेज्ड। एंड देन द नेक्स्ट इलेक्शन वॉज हेल्ड व्हेन उमर वॉज चीफ मिनिस्टर। ही हेल्ड द फर्स्ट ईयर, बट द डिफिकल्ट सिचुएशंस अरोज, द अदर ईयर्स कुड नॉट बी हेल्ड। थैंक गॉड यू हैव बिकम मेंबर्स ऑफ दिस पंचायत। It's not an easy job. Don't take it as a sort of a gift from God. You have to work hard. You have to be part of the people. And you have to face the crisis that we are facing today. Don't live in cuckoo world and think everything is honky-dory. We still face militancy. And God knows what will happen in future. Therefore, Governor Saab, one of the most important things that we have to look after is the security of these panchayat members. Because they will be the first target. Politicians will be target. We are target anyway. Who stand with the nation will have to face those crises. Don't run away. God is the only protector. First, I'll tell you.
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह जो है वही मौत देने वाला है और वही ज़िंदगी बख्शने वाला है। मगर उसके साथ साथ, क्योंकि डीजी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ आपके पास इतनी फोर्स नहीं होगी, मगर करना पड़ेगा। कल ही मुझे सीपीआई के टुकरू साहब कह रहे थे कि वो घर में हैं, उनकी सिक्योरिटी की कमी है, इससे पहले कि वो मारे जाएं, इसका ख्याल रखा जाए। अगर हम वतन के साथ खड़े हैं तो वतन की भी जिम्मेवारी है कि हमारी हिफाजत का ख्याल रखें, और साथ साथ अगर आपने इनको कामयाब करना है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके लिए साधन भी देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कागज़ पे लिख के नहीं, कागज़ पे तो बहुत लिख के आता है, मगर अमलन होना चाहिए। मैं जानता हूँ मुल्क की कमियाँ हैं, कोरोना वायरस ने बड़ी मुश्किलें डाली हैं, फाइनेंसिस पे बहुत मुश्किलें डाली हैं, मगर wherever there is will, there is a way, and that is very vital, Lieutenant Governor Sir, very vital that they must have those finances. Otherwise, they will be torn by the people and they'll say, ये बिल्कुल बेकार हैं, निकम्मे हैं, ये कुछ कर नहीं सके। मगर आपसे भी कहूँगा कि ईमानदारी अपनाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको जवाब मत देना पड़े, मगर जहाँ हमने जाना है वहाँ आप कुछ बोल नहीं सकेंगे, आपकी चमड़ी बोलेगी, अल्लाह के सामने जब आपका हिसाब होगा और मेरा हिसाब होगा, उसके लिए सोचिएगा। ये दुनिया बहुत कम वक्त की है, 100 साल 200 साल भी अगर आप जिए, मगर जाना वहाँ है, उस ज़िंदगी को भी याद रखा करें कि वहाँ भी जाना है। बदमाशी, शराब नोशी और बुराइयाँ, उसकी तरफ नहीं जाइएगा, और ये सोच के काम करिएगा कि मैं इंसान के लिए नहीं, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो बसा हुआ है। साथ साथ ये भी आपसे कहूँ, इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन। आई एम फ्रॉम कश्मीर, मेरे में और मद्रासी में, या जिसको आज चेन्नई कहते हैं, क्या कॉमन है? न खाना कॉमन है, न पहनना कॉमन है, न मौसम कॉमन है। वहाँ 30 डिग्री से नीचे आता नहीं, यहाँ तो अल्लाह ही रहम करे 6-6 हो जाता है, और हमारे इलाकों में जो द्रास वगैरह हैं वहाँ तो 30-3 हो जा 30 हो जाता है। तो हमारे बहुत डाइवर्सिटी है। इसी तरह बंगाल या महाराष्ट्र या यूपी या बाकी से ले लीजिए, वहाँ क्या चीज़ हमें मिलाती है? एक वो इरादा कि हम लोग इकट्ठे इस वतन को बना सकेंगे। अकेले वतन बन नहीं सकता, एक मजहब से नहीं बन सकता। इट्स अ डाइवर्स नेशन, और जब तक आप डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये वतन बचेगा नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मगर उसके लिए कुर्बानी भी देनी है, आसान नहीं है। हमारे अंदर दुश्मन बैठा है, बाहर की दुश्मन की मुझे पता है कि कौन बाहर का दुश्मन है, मगर जो अंदर दुश्मन बैठा है वो ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत के बाहर के दुश्मन के, उसका ख्याल रखिए। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मौका मिला आपको लोगों से मिलने का, बात करने का। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, और कोरोना वायरस ने तो बर्बादी ही कर दी, इंडस्ट्री बैठ गई, स्कूल और कॉलेजेस बैठ गए, और ख़ासकर हमारे गरीब बच्चे और बच्चियाँ, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर। उनके यहाँ मोबाइल नहीं है जिनसे कि वो स्कूल का काम कर सकें। हमारे एजुकेशन सेक्टर बहुत पीछे चला गया। गवर्नर साहब, मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, किसी तरीके से उन गरीबों का भी सोचना पड़ेगा
कि उनके बच्चों की तालीम कैसे आगे चल सके। और मैं इन पंचायत मेंबरों से भी कहूँगा कि मेहरबानी करके लोगों के साथ जुड़े रहें। वो आपकी जमात के साथ नहीं होंगे, हो सकता है हमारी जमात ने इलेक्शन नहीं लिया, मैं अफसोस करता हूँ, करना चाहिए था, आगे करेंगे इंशाल्लाह करेंगे और दम के करेंगे, बड़ी ज़ोर से करेंगे। मगर ये जो है ना, ये हमें उम्मीद इस बात की है गवर्नर साहब कि जब तक हम लोग इस दाशा की तरफ नहीं चलें कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आपने, मैं समझता हूँ ये रियासत सबसे बड़ी रियासत होगी जिसमें कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन अब बहुत कम हो गए हैं, और क्योंकि वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए जब स्कूल शुरू हो जाएंगे कि आपका टीचर आता है या नहीं आता है, आपका वहां पे जो अफसर है वो आता है या नहीं आता है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों को आपको पूरा करना है। अगर आपके यहां अस्पताल है तो वहां जाइए, वहां देखिए कि वहां डॉक्टर है या नहीं है, वो एक्सरे काम करता है या नहीं करता है, वो मशीनें जो हैं जो ब्लड प्रेशर देखती है वो है या नहीं है। नहीं तो खामोखाम ये कहें कि मैं तो पंचायत मेंबर हूं बस, और उसमें नहीं, जिम्मेवारी है आपको, हुकूमत के सामने नहीं बोलना है, मगर उसके सामने क्या बोलेंगे, इसे उन जिम्मेवारियों को पूरा करना पहला है आपका फर्ज है, उसकी तरफ देखें और दुआ करें, क्योंकि दुआ के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। हम मुसलमान ज़रूर हैं गवर्नर साहब, मगर नमाज नहीं पढ़ते हम। शुरू जब खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं करते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह की तो बात ही नहीं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन आप अमल के मुसलमान बन जाओगे, उस दिन आप दूसरे की कदर करना सीख जाओगे। कोई मजहब बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है, मगर जब हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं बुराई की तरफ तो हम अपने आप को बर्बाद करते हैं, उसको नहीं, क्योंकि वो देख रहा है। इसे गुजारिश करूंगा, अब आप आए हो, चंद साल रहोगे फिर लोगों के पास जाना हो, तब क्या करोगे जब तुमने काम नहीं किया होगा, उस चीज़ की हर वक्त याददाश्त रखो। और टेलीफोन उठाया करो, मेरे तो गवर्नमेंट अफसरों से भी ये शिकायत है, वो टेलीफोन नहीं उठाते, जैसे कि भूत लटका है उनके ऊपर, अगर किसी को उनको टेलीफोन आ जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा, अपने अफसरों को कहिएगा कि इंसान जब टेलीफोन करता है, मैं किसी कोई भी टेलीफोन करता है मैं उठाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, क्योंकि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं समझता हूँ उसको कोई बीमारी ज़रूर होगी, कोई दर्द ज़रूर होगा, इसलिए वो तुम्हें टेलीफोन कर रहा है। मैं उससे नहीं पूछता हूँ तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस जमात से ताल्लुक़ रखते, किस पार्टी से हो, मैं समझता हूँ वो इंसान है और उस इंसान के अंदर खुदा बसता है। मैं खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा कि इसने मुझे टेलीफोन किया, तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया, मगर हमारे अफसर टस से मर से नहीं होते। इंशाल्लाह वो हुकूमत आने वाली है जहाँ आपका जवाब दिया जाए, उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, और आप सबका जो स्टेज में मंत्री हैं उनका भी। उम्मीद करूंगा कि आप वो देश बनाएंगे जो सचमुच चमकता रहेगा, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारुकुल्लाह साहब आपका भी। अब मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में चाहूँगा श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कि वो आके आज के दिन अपने ख्याल का इजहार करें। ज़ोरदार तालियां प्लीज। जम्मू कश्मीर के इस नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में उपस्थित देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी,
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे अग्रज आदरणीय मनोज सिन्हा जी, मंत्रिपरिषद में हमारी सहयोगी माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, अभी जिनका आप भाषण सुन रहे थे, वरिष्ठ सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री निर्मल सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल उत्पल जी, सामने तीन वरिष्ठ सांसद बैठे हैं जो मेरे मित्र भी हैं, महाराष्ट्र से अरविंद सामंत जी, बिहार से राजू प्रताप रूढ़ी जी और इसी रियासत से श्री जुगल किशोर शर्मा जी, अन्य सभी अन्य उपस्थित अधिकारीगण, विशेष तौर पर पंचायती राज से निर्वाचित सभी भाइयों और बहनों, लोकतंत्र में जो दरिया है पंचायती राज का या लोकतंत्र की जो ताकत है, ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। और मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ नीचे पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उनके अध्यक्ष आज आपसे संवाद करेंगे। ऐसे अवसर जीवन में कम आते हैं। मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में पंचायती राज सिर्फ चुनाव नहीं है, एक जीवन पद्धति है जिसमें हम खुद सब मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और इस बात का एहसास करते हैं कि सरकार हमारी है और उसके माध्यम से हम समस्याओं को देखेंगे और समाधान करेंगे। लोग समस्याएं गिनाने के लिए शायद दायरे से बाहर जाकर अपनी बात करते होंगे, लेकिन उसकी पहली जो शर्त है, जो गांधी ने कही थी, आत्मनिर्भरता उसकी नींव है कि मैं अगर किसी भी संस्था का प्रमुख हूं तो क्या मैं उसको स्वावलंबी बना सकता हूं? मैं अपने संसाधनों के सामर्थ्य से अपने आने वाली पीढ़ी को भी आश्वस्ति दे सकता हूं कि जैसा मैंने जीवन जिया उससे बेहतर जीवन वो जी पाए और साथ में अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मैं उतना ही करूं ताकि संतुलन के साथ में वो चीज़ें लंबे समय तक हमारे साथ में चल सके। और इसलिए पंचायती राज सिर्फ चुनाव नहीं है, उसकी चुनाव एक पहली सीढ़ी है, एक जीवन पद्धति है और ये जीवन पद्धति गांव से लेकर संसद भवन तक जाती है। और मुझे लगता है आज की इस गोष्ठी में हम सब इसी का आत्मावलोकन करेंगे तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम की सफलता होगी, सार्थकता होगी। दूसरा तरीका यह है कि अभी हम फारूक साहब की बात सुन रहे थे, इंग्लैंड के एक बड़े दार्शनिक हुए हैं मोंटेग्यू मूर, क्योंकि मैं अगर श्रुति और स्मृति की बात करूंगा तो शायद रास्ता कहीं और चला जाएगा, इसलिए जानबूझकर मैं इनको कोट कर रहा हूँ। ये बात हमारी श्रुति और स्मृतियों में और ताकत के साथ रखी गई है। उन्होंने कहा कि तीन प्रकार के लोग आमतौर पर होते हैं, कुछ लोग ज्ञानी या अच्छे हम जिनको कहते हैं वो होते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं होते। वो सक्रिय ना होने के कारण उनके ज्ञान का, उनकी क्षमताओं का, उनकी अच्छाइयों का समाज को लाभ नहीं मिलता। दूसरे वो कहते हैं जिनको शालीन भाषा में लोग अज्ञानी कहते हैं, कोई दूसरा शब्द उपयोग करेंगे तो विवाद का कारण बनेगा, लेकिन वो सक्रिय होते हैं और उसका परिणाम समाज भुगतता है और नुकसान ही होता है। और इसलिए समाज में अगर मजबूती लानी है तो हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान सक्रियता के समाज में भागीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। और श्रुति और स्मृति का अगर मैं संदर्भ करूं तो एक पंक्ति में हमारे मनीषियों ने लिखा है, यदि अच्छाई चुप हो जाएगी
तो बुराई चौथे वेग से बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि हम जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, अतीत से सीखें, अतीत के कष्ट होंगे, अतीत का दुख होगा, अतीत की विफलताओं पर हम कई बार रंज करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको उनसे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं फारूक साहब से भी कहूँगा कि आपकी बात से हम लोग संसद में भी सुनते हैं और सीखते हैं, यहाँ पर भी हमने बात सुनी है, लेकिन मुझे लगता है जो तीसरा वर्ग है उसको ताकत अगर मिली है तो बाकी संसाधन हम सब उपलब्ध कराएं, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं कल जल जीवन मिशन के एक कार्यक्रम में गया था, मुझे तो खुशी हुई जब लोग कहते पाए गए, और मैंने कहा कि कोई पास में नहीं जाएगा, उनके पास सीधे माइक जाना चाहिए, जब वो गर्व के साथ कहते हैं कि जल जीवन मिशन ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, स्कूल आंगनबाड़ी में भी पीने की पाइपलाइन की उनका पाइपलाइन वहाँ पहुँच गया। तो मैंने पूछा क्या वास्तव में पहुँच गया, तो उन्होंने कहा हाँ वास्तव में पहुँच गया। मैंने दूसरा प्रश्न किया क्या लोग पानी लेते हैं तो पैसा देते हैं, तो वो जो बहन थी उसने कहा कि हाँ हमारे यहाँ 1663 परिवार हैं और सारे के सारे लोग पानी का शुल्क देते हैं। तो मैंने कहा कि उनके लिए तालियां बजानी चाहिए, ये अच्छी शुरुआत है। जो सबसे बड़ी बात हो गई है, जो लोकतंत्र में चुनाव की राजनीति ने गंदगी लाई थी कि हमें लगता है कि सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, इसने भी बड़ी खाई पैदा की है संसाधनों के बीच में, मांग और पूर्ति के बीच में। और इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, आप अपने जिस भी स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास वित्तीय अधिकार हैं, और उन्होंने तो कहा कि पहली बार हमको देखने को मिला, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, 15 अगस्त 2021 से आज़ादी का 75वां वर्ष हुआ है, महोत्सव 75 सप्ताह पहले शुरू हो गया जब गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी, और उसमें भी सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम गांधी की तरह सोचें और अपने राजनीतिक यात्रा पर आगे बढ़ें। और 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे होंगे, लेकिन 15 अगस्त 2023 तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही हैं, उनको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी बहुत कीमत चुकाने के बाद मिली है, वर्तमान पीढ़ी को चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को उस कुर्बानी का अंदाज़ा दें, उसका याद कराएं। अगर हमें स्मरण नहीं है तो आने वाली पीढ़ी उसको याद नहीं रखेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो यात्रा आज़ादी के बाद चली है वो 75 साल ये मामूली समय नहीं है, इसका मूल्यांकन करें। हमने बहुत कुछ पाया होगा, लेकिन सब कुछ पा लिया ये हम दावा नहीं कर सकते। और मैं सिर्फ उदाहरण में ही कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष हों तो हर परिवार के पास में एक कमरे की पक्की छत जरूर होनी चाहिए, पीने का पानी हो, गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, उसके पास ये गारंटी हो कि सरकार उसके स्वास्थ्य की गारंटी लेती है। तो लोगों ने कहा था कि 24 की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अब तो उन्होंने तीसरी बात कही है और उन्होंने कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, स्वच्छता मिशन हो, जल जीवन मिशन हो, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कही थी, बिजली का कनेक्शन आप नहीं ले सकते तो सरकार खर्चा देकर आपको लगा देगी, आपको जलाना है तो जलाइए, नहीं जलाना तो मत जलाइए, गैस का सिलेंडर आपके पास में होगा आप उपयोग करें या दूसरे किसी विकल्प का उपयोग करें, लेकिन आपके ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे पास नहीं है, ये गारंटी मिलने की तरफ हम पूर्णता की तरफ आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 100 साल बाद 25 साल बाद जब देश अपनी आज़ादी का 100 वर्ष शताब्दी वर्ष मनाएगा तब भारत कैसा होगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के इस कार्यक्रम में हम उसी शताब्दी वर्ष की चिंता करें कि 25 साल बाद जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो मैं कहाँ रहूँगा, मेरे आने वाली पीढ़ी कहाँ पर होगी। तो मुझे लगता है वो लक्ष्य हमको सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ने का मौका देगा। मैं इस उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। पश्चिम के एक और विचारक हैं एमर्सन, उनने उससे पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है, तो उनकी उम्र उस समय 60 साल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 360 वर्ष। तो सामने जिसने प्रश्न पूछा था वो भौचक हो गया कि इसकी उम्र तो 60 साल है, ये 360 कह रहा है। उसने कहा कि जब आप सकारात्मक तौर पर सोचते हैं तो आपकी आयु 6 गुनी बढ़ जाती है, और मुझे लगता है
मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी आयु है वो 6 गुनी बढ़े, और 6 गुनी बढ़ने का सिर्फ एक ही आधार है, हम सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, सफलताओं को स्वीकार करें, विफलताओं को सामने रखें, याद कर रखें, उन्हें भूले ना। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि गलतियाँ ज़रूर याद रखना, अच्छाई को कभी याद नहीं रखना। और मुझे लगता है उस गलतियाँ हमको पुनरावृत्ति के लिए रोकती हैं, अच्छाई आगे बढ़ने की सामर्थ्य देती है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी का कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। हमारे मुल्क की जो हुकूमत है वो अवाम की हुकूमत है, उसे अवाम चलाती है, अवाम के ही हाथों हुकूमत चलती है और अवाम की बहबूद के लिए चलती है। और जिस मुल्क की हुकूमत अवाम से चले वो हुकूमत रोए ज़मीन से कभी नाबूद नहीं हो सकती। वो हुकूमत तब तक चलती रहेगी जब तक रोए ज़मीन टिकी हुई है यहाँ पर। तो ज़ोरदार तालियाँ हमारी हुकूमत के लिए और इस सोच के लिए कि हमने अवाम की हुकूमत बनानी है, अवाम की हुकूमत चलानी है। अब आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं गुजारिश करूँगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से कि वो डेस पर आकर आज के दिन का दिन भर अपना इजहार करें अपने ख्याल का। लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, भारत सरकार के मंत्री हमारे मित्र आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, यहाँ के लोकसभा के सम्मानित सदस्य जिनको आपने अभी सुना, सम्माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब, यहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह जी, हमारे मित्र जो मेरे सामने बैठे हैं, बिहार से लोकसभा के सदस्य माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र से सांसद श्री अरविंद सावंत जी, जम्मू के लोकसभा सदस्य श्री जुगल किशोर शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी DDC के सम्मानित अध्यक्ष, चेयरमैन, उपाध्यक्ष, पंचायतों के BDC के चेयरमैन, सरपंच, चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, फारूक खान साहब, श्री बशीर खान साहब, जम्मू कश्मीर UT के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता जी, यहाँ के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह जी, भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के सभी अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, मैं आभारी हूँ सम्माननीय अध्यक्ष जी का, लोकसभा के आदरणीय ओम बिरला जी का, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अभियान सा चला रखा है। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों को भी, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया है। उनके साथ साथ जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट की टीम है प्राइड, उसका भी मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। अध्यक्ष जी चाहते थे कि सभी जनप्रतिनिधि आएं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कोविड के कारण, इसलिए हर जनपद से 5 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। समय ठीक हुआ तो ऐसा कार्यक्रम आगे भी होगा। मैं सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों का, हमारे DDC चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन, BDC के चेयरमैन, सरपंच, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं बात शुरू करूं एक शख्सियत का जिक्र बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूं। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो एक नाम गुम हो गया इस देश से, और उनका नाम था डॉक्टर सुब्रमण्यम। भारत की संविधान सभा के वो सदस्य हुआ करते थे। बापू के स्वराज दर्शन को याद करते हुए 22 नवंबर 1948 को डॉक्टर सुब्रमण्यम ने एक बात कही थी
वो बात मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँगा। भारत माता अपने संविधान को जन्म देगी तथा उसमें अगर कोई चेतन तत्व माने अलाइव कॉन्शियस एलिमेंट होगा तो वह ग्राम पंचायत होगी और पंचायती राज व्यवस्था होगी। एक दूसरा नाम लेना भी आवश्यक है, हरि विष्णु कामत जी का। आप सबको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभिन्न सहयोगी थे। 19 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हो रही बहस के दौरान कामत साहब ने कहा कि ये पंचायती व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं, वैदिक काल से चली आ रही व्यवस्था है और विकेंद्रित लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है और जनता का कल्याण हो सकता है। कामत साहब आगे कहते हैं कि भौतिक साम्यवाद की बजाय लोग आध्यात्मिक साम्यवाद, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म भी इसे कह सकते हैं। इस बात पर उन्होंने बड़ा बल दिया था। मित्रों, इन दो शक्तिशाली शख्सियतों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब हमारे देश का विधान बन रहा था तब पंचायतों के संगठन को स्वशासन के रूप में देखा गया था। विधान का जो आधार था उसे ग्राम पंचायत माना गया था और आवश्यक यथाशक्ति उनसे मिले, उसे अधिकार प्राप्त हो, इसकी कोशिश आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में शासन करने वाले अनेक लोगों ने की। अगर मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की बात करूं, तो उनके शब्दों में पंचायती व्यवस्था को विधान का आधार बनाकर ढांचा नीचे की नींव से आरंभ होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। किन्हीं कारणों से ये व्यवस्था देश में हो या यहाँ हो ऊपर से नीचे ही चल रही थी। कई जगह लोगों ने संशोधन किए, प्रयास हुए, काफ़ी कुछ बदला है पिछले दिनों में और मेरा दृढ़ मत है कि सुशासन, आत्मनिर्भरता का संपूर्ण ढांचा और विकास पंचायती राज संस्थानों से ही हो सकता है, कोई दूसरा संस्थान नहीं कर सकता है। बाकी का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है, विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, लेकिन अगर विकेंद्रित ढंग से पूरे देश में एक ऐसा सशक्त ढांचा खड़ा करना है विकास का, तो मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं का मजबूत होना और जिम्मेदारी से काम करना ये सबसे आवश्यक है। 25 अप्रैल 1993 इस देश के इतिहास की एक ऐसी तारीख है, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों को याद है, जिस दिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारी देश की संसद ने देश में लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। चर्चा उसकी बहुत होती है, फारूक साहब ने बहुत ही भावुक ढंग से अनेक बातें कही हैं, बहुत कुछ सच भी है, लेकिन मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि आखिर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था, कठिनाइयां हैं, मैं समझ सहमत हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं लागू हो सकी। मैं आभारी हूँ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण, जिनके निर्देश के कारण जम्मू कश्मीर में 3-tier पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपना विश्वास व्यक्त किया, और इस बात की भी मुझे खुशी है ये कहते हुए कि निष्पक्ष चुनाव और बिना हिंसा के चुनाव। और अगर मतदान का प्रतिशत हम देखें तो पिछले 2-3 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो उसकी तुलना में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पंचायती राज व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त किया। यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हों इसकी कोशिश की जा रही, नई व्यवस्था है, एक साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं ऐसा मानता भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक नियत का सवाल है मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ
कि ये मेरी बात नहीं है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री से जब भी मैं मिला हूँ तो इस बात पर उनका बराबर बल रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जितने मजबूत होंगे, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमहूरियत भी उतनी मजबूत होगी और विकास के काम भी तेज़ी से हो सकेंगे। एक दो काम हुए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि 1271 करोड़ रुपए पंचायतों को, बीडीसी के मेंबरों को, डीडीसी मेंबर और चेयरमैन को प्रशासन की ओर से दिए गए हैं, कामों के लिए दिए गए हैं, व्यक्तिगत नहीं दिए गए। और जो इस बार का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बना है, किन परिस्थितियों में बना आप सब जानते हैं, कोविड की दूसरी लहर अपनी उफान पर थी, बावजूद इसके कोशिश की गई कि पंचायत से लेकर के ब्लॉक और डीडीसी के मेंबरान और चेयरमैन साहिबान की राय लेकर के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बनाया जाए। ये संभव है कि इस बार उतना व्यापक कंसल्टेशन न हुआ होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि स्थिति नॉर्मल होगी तो निश्चित रूप से आप ही उस बजट को बनाने वाले होंगे, प्रशासन के लोगों की भूमिका कम होगी। और इस बात की भी मुझे प्रसन्नता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का कुल एलोकेशन 2000 करोड़ हुआ करता था, वो गत वर्ष 5613 करोड़ था और इस साल 12600 करोड़ रुपए पूरे पंचायती राज व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हमने पारित किया है। कोई एक जिला उठा करके देखिए, ढाई गुना, तीन गुना, दो गुना। और एक आग्रह हमने किया था चुने हुए प्रतिनिधियों से कि इसमें काम वो लीजिए जो एक साल में पूरा हो जाए, अधिक से अधिक वो काम लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस मेहनत से काम का चयन किया है, मोटे तौर पर अगर पूरे यूटी की बात मैं करूं तो 80% काम ऐसे हैं जो इसी साल पूरा होने वाले हैं, 20% काम है जो मैंने उसमें से दो चार काम होंगे जो तीन साल में होंगे, नहीं तो मैक्सिमम 80%। और इसमें इन प्रतिनिधियों का बड़ी भारी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं लगातार अनेक जनप्रतिनिधि इन चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलता रहा हूँ, इलाके की जरूरत के हिसाब से बजट बनाने में जो आपने सहयोग किया है, मैं इस राज्य के मुखिया के नाते मैं आपका हृदय से साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से जो मूल भावना है पंचायती राज की उसको लागू करने में पूरी मदद की है। और मुझे लगता है कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है ये, ताकि महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो आवाम की है, जनता की है, वो जमीनी स्तर पर पूरी हो सके। कुछ और बातों का जिक्र मैं समझता हूँ कि करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आप देख रहे हैं, भारत सरकार भी की भी अनेक योजनाएं जिनकी मॉनिटरिंग आपको करनी है, कहीं कहीं कठिनाई है ये भी मैं जानता हूँ, उस कठिनाई को दूर किया जाए इसका भी प्रयास हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये सभी काम आपकी देखरेख में हों, ये आदत अब लोगों को बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इससे ही इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट कार्य प्रणाली में आ सकता है। ये सच है कि एक नई व्यवस्था है, अफसरों को भी आदत नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी आदत नहीं है। कोशिश हो रही है कि जैसा फारूक साहब ने कहा कि कर्नाटक भेजा था उन्होंने, तो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि देश के उन हिस्सों में जाएं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, जहाँ भी, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था ठीक ढंग से काम करती है वहाँ की व्यवस्था देख के आवें। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कई किया है, आने वाले दिनों में कोविड हर चीज़ में बाधा पैदा करता, आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाए। फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज, ये संविधान संशोधन में जो निहितार्थ था उसे पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि विकेंद्रीकृत लोकसत्ता के सुशासन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को पारदर्शी और जवाबदेह, जन भागीदारी और जन सहयोग के साथ, संवेदनशीलता के साथ हो, इसकी कोशिश की जा रही है। अब कुछ विरासत में मिली हुई दिक्कतें हैं, एक साल डेढ़ साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं दावा नहीं करता, लेकिन कुछ बातों की मुझे प्रसन्नता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के एक एक पैसे का हिसाब
जम्मू कश्मीर की जनता को दिया जाता है। और ये बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और आपको भरोसा देना चाहता हूँ। फारूक साहब ने एक बात कही, मुझे ईश्वर और गलत काम के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति से कभी भय नहीं रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ सरकार के एक पैसे का दुरुपयोग अपने अपने परिवार के लिए नहीं करूँगा। और कोशिश हमने की है, GFR पूरी तरह लागू किया है, कोई भी काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के अब नहीं होता है और कोई बिल ट्रेजरी में फारूक साहब तब तक नहीं जाती है जब तक ई टेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल सैंक्शन न हो। मैं जानता हूँ भ्रष्टाचार खत्म करना कहना आसान है लेकिन तरीका क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ही तरीका हो सकती है, जहाँ ह्यूमन इंटरफेस है वहाँ गुंजाइश है। और कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन इससे बाहर निकले जम्मू कश्मीर। ये सच है कि जो गति होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, लेकिन दो तीन बातें मैं ज़रूर कहूँगा। मैग्डमाइजेशन 3,3500 किलोमीटर होता था, पिछले साल 6,500 किलोमीटर हुआ, इस साल 8,000 किलोमीटर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधिकतम 1600 किलोमीटर सड़क बनती थी, पिछली बार 3600 किलोमीटर बनी है और इस बार 4000 किलोमीटर बनेगा। देश का अकेला यूपी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देश के बाकी हिस्सों के जो राज्य हैं वो इस काम से निवृत्त हो गए, अभी 974 गाँव हैं यहाँ के सड़क से नहीं जुड़े हैं। यहाँ बिजली के क्षेत्र में देश में जो विकास हुआ है पिछले दिनों, मैं कह सकता हूँ कि अब आज बिजली की कमी देश में नहीं है, लेकिन जहाँ ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे 22 घंटे बिजली रहती है, श्रीनगर में 22 घंटे बिजली मिले इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। मुझे याद है गुलमर्ग में गया था पिछले साल, उसके पहले एक लेबर डिपार्टमेंट ने एक अस्पताल का निर्माण किया, फारूक साहब थे, मैं भी था। इन्होंने उस मंच पर कहा था कि साहब ठंड आ रही है, बर्फ़ गिरती है तो बिजली की बड़ी दिक्कत होती है। मैंने उनसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि पहले से स्थिति थोड़ी बेहतर हो। और गुलमर्ग में मैंने एक बात कही कि वादी में पहली बार लोगों ने बर्फ़ और बिजली एक साथ देखी है। और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष की तुलना में 21% ज़्यादा बिजली कश्मीर डिवीज़न में मिली थी। हमने कोशिश की जम्मू डिवीज़न में भी, लेकिन मुझे मालूम है कि गर्मी में लोगों को बड़ी परेशानी हुई है, बावजूद इसके कि 15% बिजली पिछले वर्ष से ज़्यादा दी गई है। लेकिन मूल कारणों की चर्चा करना आवश्यक है। जहां हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हमारा 20,000 मेगावाट है, 70 सालों में हम 3500 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। कोशिश की है और मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, सियालकोट 84 में बनना शुरू होना चाहिए था, आज 2021 में हमने NHPC के साथ MOU किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 5 साल में वो प्रोजेक्ट पूरी हो जाएगी। और ऐसे एक नहीं, 3450 मेगावाट बिजली आने वाले 5 साल में बना करके जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के 15-20 साल की परियोजनाएं, जब मेन ट्रांसमिशन लाइन बन रही थी जो लद्दाख तक जाती है, उस समय प्रस्ताव था आज से 17 साल पहले कि रजौरी और पुंछ में 400 KVA का सब स्टेशन होना चाहिए। इसी आधार पर भारत सरकार ने स्वीकृति की थी, ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी, उनको पूरी करने की कोशिश की जा रही। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, एक वर्ष में देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह की बिजली है उस तरह की बिजली जम्मू कश्मीर में भी उपलब्ध हो जाएगी, लोगों को बिजली की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक निवेदन भी है, 6700 करोड़ रुपए की बिजली खरीदते हैं और 2625 करोड़ रुपया मुझे मिलता है, इस सरकार को यह व्यवस्था कब तक चलेगी? इस पर भी आप सोचिए, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि, मेरी अपेक्षा है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे कि बात भी लोगों को समझना होगा। कोविड का प्रकोप था लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि देश के बाकी हिस्से में जिस तरह लोगों को दिक्कत हुई, दिक्कत यहाँ भी हुई, जिसने अपना परिजन खोया है उसकी पीड़ा को हम कम नहीं कर सकते। लेकिन
ऐसी स्थिति नहीं आई कि लोगों को ऑक्सीजन बेड न मिले। पिछले साल मैं 7 अगस्त को आया था, उस समय जम्मू कश्मीर के ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता 14,000 LPM थी, और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 68,000 LPM जनरेशन ऑक्सीजन का इस जम्मू कश्मीर में हो रहा। और सितंबर अंत तक मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की कुल क्षमता 90,000 LPM होगी। अब हमारी समस्या ये है कि उस अधिक ऑक्सीजन का सावन साफ करें क्या। आप महाराष्ट्र से आए, मेरा आपसे आग्रह होगा, उद्योग मंत्री भी रहे, कोई तरीका हमको बताइए। आज हमारे पास जरूरत नहीं उस ऑक्सीजन का, हम करें क्या। लेकिन ये फैसला हमने इसलिए किया था कि यहाँ के सामान्य आदमी की जान बचाई जा सके। मित्रों, वैक्सीनेशन में भी देश के अखबारों की सुर्खियाँ गवाह हैं कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्यकर्मी बर्फीले रास्तों पर 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जा करके लोगों को वैक्सीनेट किए हैं, मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर जिन्होंने इस काम को किया है। और आज 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के 70% लोगों का पहला डोज लग गया है, और मोटे तौर पर दूसरा डोज भी अब आधी आबादी का हो गया है। इसके ऊपर 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो उसमें भी 40% से ऊपर हम पहुंच गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर अंत तक जम्मू कश्मीर यूटी की पूरी आबादी का 65%, चाहे वो बच्चा नौजवान हो चाहे हमारे बुजुर्गों, पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए। कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय खुलें, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त तय की गई है कि सभी टीचर वैक्सीनेटेड होंगे और 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगा करके जल्द से जल्द हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुरू करना चाहते हैं, ताकि पठन पाठन का वातावरण अच्छे ढंग से बनाया जा सके। अनेक सारी बातें हैं, ये समय नहीं है कि मैं विस्तार में जाऊं। इंडस्ट्री की बात फारूक साहब ने करी है, उसका जिक्र करना जरूरी है। मुझे लगता है भारत सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए स्वीकृत किया, और मैं आभारी हूं विशेष रूप से देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम में ऐसे प्रोविजन किए हैं जिसके कारण आज की तारीख में 25,600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव जिन्होंने पैसा जमा किया है कि हमको जमीन दी जाए, हमारे पास लंबित हैं, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीनों में ये सभी प्रस्ताव स्वीकृत करके इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा उसका जो पक्ष है, ये पहली बार हुआ कि कश्मीर डिवीज़न में भी उतने के ही प्रस्ताव हैं, केवल 700 करोड़ का ज़्यादा है जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न दोनों में बराबर के प्रस्ताव आए। पहले मैंने अनुमान किया था, जब बैठक हुई थी तो मुझे लग रहा था 25-30 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 4-5 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि 1.5 साल में कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा और 10 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। कोशिश है, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ। मैंने कहा कि नई व्यवस्था है, बढ़िया कार्यालय नहीं है, DDC चेयरमैन साहिबान का बढ़िया घर भी नहीं है, सुरक्षा की दिक्कतें यहाँ आमतौर पर हैं। जो संसाधन है हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि आपका आवास, आपकी सुरक्षा, बाकी चीज़ें, मैं कुछ पिछली बार मैंने कश्मीर के साथियों के साथ जब बैठक की थी, कुछ मुद्दे उठे थे, उनका निराकरण कर दिया गया है। जम्मू के साथियों के साथ बैठना नहीं हो पाया है, सितंबर महीने में उनके साथ भी बैठक करूँगा, और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आप पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए जो कुछ करना होगा वो निश्चित ही किया जाएगा, उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जम्मू कश्मीर के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से हमें मदद करेगी, और जम्मू कश्मीर में एक नया वातावरण बनाने में आप सबका सहयोग आवश्यक है। अगर आंकड़े हम देखें तो 4290 पंचायतों में 1408 हमारी बहनें हैं,
हमारे ऐसे लोग जो सोचते नहीं थे कि हमें भी अवसर मिलेगा, जिनको हम कहते हैं कि बड़े लंबे समय से उपेक्षित थे, वो भी आज सक्रिय रूप से भागीदार हैं, विकास के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, अध्यक्ष के नाते, सरपंच के नाते, बीडीसी चेयरमैन के नाते, और अनेक लोगों से मैं मिलता रहा। और मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश हमारे जो जनप्रतिनिधि इतनी मेहनत से जनता की सेवा में जुटे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए मुझे लगता है कि वो कम होगी। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने बारामूला जिले के नारवा ब्लॉक के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल साहब से खुद बात की थी, मैं उनको बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था कि सरकार के सभी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जागरूक करने का दायित्व आप पर है, और उन्होंने मास्क बांटने से लेकर के अनेक इस तरह के काम किए। और कोविड में जिस तरह की हेजिटेंसी थी वैक्सीनेशन में, देश में थी, दुनिया में थी, और यहाँ भी चरम सीमा पर थी, लेकिन आज वैक्सीनेशन में सफलता हमें मिली है काफ़ी हद तक, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, हमारे पंचायती राज संस्थाओं का है। एक धमोर पंचायत है, वहाँ की एक सरपंच हैं शिल्पा दुबे, मैं कभी मिला था उनसे, और जिस शिद्दत से वो काम कर रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी सरपंच, डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के मेंबरान, चेयरमैन इसी जन भागीदारी की भावना के साथ जम्मू कश्मीर के विकास को गति देंगे। और महिला शक्ति ने जिस तरह से अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य में बड़े साहित्यकार हुए सावन साहब प्रेमचंद जी, नाम मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी एक थी पंच परमेश्वर, और उसमें उन्होंने कहा कि पंचों के दिल में खुदा बसता है, और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की ही बात मानी जाती है, और इसलिए ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का हम एहसास करें और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। चलते चलते रूढ़ी साहब हैं, इसलिए उनको एक शेर मुझे समर्पित करनी होगी, शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। बुलंदी पर पहुंचना है तो पैदा खाक सारी कर, बुलंदी पर पहुंचना है तो पैदा खाक सारी कर, बड़ा बनने की ख्वाहिश है तेजो इंस कारी कर, फकल आगे नज़र रखने में गिर जाने का खतरा है, तो पीछे देख कर चलने कि नादा होशियारी कर, नादा होशियारी कर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, हमारे जो दिल्ली से आए हैं, गुस्ताखी हो गई क्षमा करेंगे, उन सब का मैं जम्मू कश्मीर में हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, अपनी ओर से यहां के आवाम की तरफ से, चाहे वो रूढ़ी जी हों, सावन साहब हों, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के लोग हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, और भी जो लोग इस कार्यक्रम में, अठौले साहब अभी दिख नहीं रहे हैं, बहुत लोगों का नाम मैंने देखा है, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय भारत। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बताना चाहेंगे, आप सब जो यहां आज इकट्ठे हुए हैं, आप उस सोच में इकट्ठे हुए हैं जो सोच हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी की है। ये वो ख्वाब है जो उन्होंने देखा था, और आज इस ख्वाब को अमली जामा पहनाया है प्राइड ने। और यहाँ कश्मीर में अगर वादी की हम बात करें, प्राइड का साथ दे रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ जितने लोग हैं इससे कई गुना ज़्यादा लोग वेब लिंक के जरिए इस वक्त जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, हज़ारों की तादाद में, और साथ ही साथ दूरदर्शन कश्मीर डीडी कश्मीर इसको लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं। और अब हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी यहाँ पर आज के दिन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। फारूक साहब की अभी एक शिकायत थी कि तालियां बहुत कम बज रही हैं, तो डॉक्टर साहब की शिकायत को हम दूर कर दें, जोरदार तालियां प्लीज। पंचायत राज सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
माननीय मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, अन्नपूर्णा देवी जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, श्रीनगर के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, इस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह जी इस कार्यक्रम में पधारे, सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जी, अरविंद सावंत जी, जुगल किशोर जी, रामप्रीत मंडल जी, और इस कार्यक्रम में पधारे डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डीडीसी के सदस्य, बीडीसी के चेयरमैन सदस्य, हल्का पंचायत के सरपंचगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा कार्यक्रम देश में हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, हमारी पंचायतें जवाबदेही हो, जवाबदेही के साथ काम करें, हमारी पंचायतों के फंक्शन सुचारू रूप से चले, इसकी चर्चा संवाद के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में आया हूँ जो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश है। हम इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। हमारी कश्मीर की वादियाँ, यहाँ की झीलें, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और विशेष रूप से कश्मीर की जीवंतता, ऊर्जा और उसके साथ यहाँ के लोगों की शालीनता, देश के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प शक्ति, ये यहाँ की खूबियाँ हैं। जम्मू कश्मीर अब शांति, समृद्धि और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए सभी संस्थाएं सामूहिक मिल से काम कर रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लोकतंत्र हमारी जीवन पद्धति में है। लोकतंत्र हमें आज़ादी के बाद नहीं मिला, लोकतंत्र इस देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। बरसों तक हमारे गांव के अंदर लोकतंत्र जीवन की पद्धतियां है, हमारे हर कार्य में लोकतंत्र बसा है, और यही कारण है कि प्राचीन काल में भी जब निर्णय होते थे तो सामूहिक निर्णय होते थे, सबकी सहमति से निर्णय होते थे,
और उस निर्णय को सभी लोग मानते थे, ये परंपराएं हमारे हमेशा रही है। आज भी दुनिया के अंदर शासन चलाने की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है तो लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आज भी हमारा देश सारे विश्व में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। हमने आज़ादी के 75 साल में चल रहे हैं, इस 75 साल में हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, और यही कारण है कि आज गांव की पंचायत में भी जिस सक्रिय भागीदारी के साथ हमारी पंचायतें काम कर रही है, जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति बढ़ी है। ये सही कहा फारूक अब्दुल्ला जी ने कि ये देश विशाल भी है, विविधतापूर्ण भरा हुआ भी है। हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, हमारा खान पान, रहन, हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, लेकिन विविधता को जोड़ने का काम करता है तो लोकतंत्र करता है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं, देश की सबसे लघु संस्था पंचायत आज जनता के प्रति जवाबदेही से काम कर रही है, लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन के लिए काम कर रही है, और इसीलिए ये लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो ताकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन संस्थाओं के माध्यम से उनका कल्याण कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि जनता से चुनी हुई सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, पारदर्शिता हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, और इन संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से जीवन बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हमें सामूहिक रूप से इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करना होगा। और इसीलिए हमारे देश के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता से संवाद होता है, चर्चा होती है, और चर्चा और संवाद के बाद हमारी पंचायतें कार्य योजना बनाती है, और इसीलिए हमारा सबसे मजबूत ढांचा का पंचायत बनेगा तो हम देश में जितने भी बनने वाले कानून, नीतियां, कार्यक्रमों को ठीक से क्रियान्वयन कर पाएंगे, क्योंकि जनता से सीधा अगर संवाद रहता है, जनता से सीधी चुड़ी अगर संस्था कोई रहती है तो पंचायत रहती है, और इसलिए पंचायतें सशक्त रहनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं पहलगांव में कल गया था तो वहां मुझे पंचायत राज के प्रतिनिधि मिले थे, डीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के चेयरमैन, हल्का पंचायत,
और किस तरीके से पंचायत की तीनों संस्थाएं सामूहिकता के साथ, समन्वय के साथ वहां विकास की योजनाएं भी बना रही है, उसके साथ आर्थिक रूप से लोगों को रोजगार मिले, नौजवान आत्मनिर्भर हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भी ये पंचायतें व्यापक कार्य योजना बना रही है। मैं छोटे से गांव में भी गया तो उस गांव के अंदर भी जिस लोगों की अपेक्षाएं जगी, आकांक्षा जगी है, उनको लगता है कि इन अभावों को दूर करने से हम देश विदेश के पर्यटकों को और आकर्षित कर पाएंगे। ये आकांक्षा और दूर दराज के गांव के लोगों के अंदर भी जगी है। इसलिए मैंने उपराज्यपाल महोदय को कहा है कि इस प्रदेश के अंदर देश विदेश के पर्यटक आते हैं और ये पर्यटक केवल श्रीनगर में नहीं, पहलगाम में नहीं, उन दूर दराज के गांव में भी जाना चाहते हैं, वहां देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य तो है सही, लेकिन यहां के काम करने वाले चाहे महिला हो चाहे नौजवान हो, उनकी हस्तकला, शिल्पकला, उनके बनाए हुए वस्त्र, यहां के कृषि उत्पादकों को भी वो खरीदना चाहते हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि हम इन सारे उत्पादकों को, चाहे एग्रीकल्चर बैस हो, चाहे मानव संसाधन द्वारा करे हुए तैयार हो, इन सब उत्पादकों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार मिले, इसके लिए भी हमारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही है, वहां बैठकर योजना बना रही है, छोटे छोटे एससीजी ग्रुप, महिलाओं के ग्रुप अपने गांव में आत्मनिर्भरता के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। हमारे नौजवान छोटे छोटे स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, अब वो गांव में रहकर रोजगार दे सकें, इसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए काम कर रहे हैं। और ये कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, यहां बहुत पोटेंशियल है, यहां पर के लोगों में तीस तरह की जीवंतता है, प्रतिबद्धता है, जिस तरीके का यहां का हुनर है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम रोजगार की दृष्टि से भी इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति पर ले जाने में सक्षम होंगे। साथियों, हमारा एक ही मकसद है कि जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो जनता से चुनी हुई है, उन संस्थाओं के अंदर लोगों की सक्रिय भागीदारी तो हो सही, लेकिन उनकी बैठक, उनकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं की वहां चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां और कार्यक्रम बनाते समय देश की सबसे बड़ी पंचायत को देश की सबसे छोटी संस्था पंचायत के सुझाव मिले, ताकि उस जनभावनाओं की अपेक्षा आकांक्षाओं के आधार पर देश में नीतियां बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे, कानून बनेंगे, तो उससे देश की जनता का कल्याण होगा।
ये सही कहा मनोज सिन्हा जी ने कि अब काम नीचे से चलना चाहिए। जब तक हमारी छोटी इकाई ग्राम पंचायत की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, हम देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत नहीं कर सकते। और इसीलिए हम पूरे देश के अंदर इन संस्थाओं के मजबूत करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, आपके साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, देश के अन्य राज्यों के साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। सारे जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के सब राज्यों के जनप्रतिनिधि आपस में चर्चा करें, संवाद करें, बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने का काम करें। अपने अपने गांव में जिस तरीके का विकास उन्होंने किया है, आदर्श पंचायतें बनाई, आदर्श गांव बनाए, उन विचारों अनुभव को साझा करें। ये देश के लोकतंत्र की ये विशेषता है कि हम विचारों अनुभवों को साझा करते हैं और अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस को अपने यहां भी अपनाते हैं, और यही हम सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। जब देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने अपने संस्थाओं में किए गए अच्छे कामों अनुभवों को साझा करेगी, तो हम जनता के प्रति और जवाबदेह होंगे और जनता के प्रति और उनकी जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। और इसीलिए लोकसभा ने जिम्मेदारी उठाई है। मुझे आशा है जिस तरीके का उत्साह यहाँ पंचायत राज प्रतिनिधियों में है, डीडीसी का अभी चुनाव हुआ है लेकिन उसके बाद बीडीसी का भी चुनाव हुआ है, लेकिन सभी संस्थाओं के जनप्रतियों में जिस तरीके का उत्साह है, उमंग है, काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रतिबद्धता है, उनके मन में विचार है कि मेरा गांव, मेरी पंचायत, मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे हो, ये आकांक्षा उनके मन में जागी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत की संसद आपके साथ है, हमारी प्राइड संस्था सभी संस्थाओं से मिलकर एक SOP तैयार कर रही है किस तरीके से हमारे सदन चलें, उनमें व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, उसके लिए भी आप सबके साथ मिलकर संवाद कर हम नियम प्रक्रियाओं की पद्धति बनाने का काम कर रहे हैं। फिर प्रदेश की संस्थाओं से बात करेंगे, प्रदेश की सरकारों से बात करेंगे, ताकि एक समान पद्धति से हम सदन चलाने की नियम प्रक्रिया बना सके। अलग अलग भौगोलिक स्थितियां होने के बाद भी हमारा एक सामूहिक कार्यक्रम हो जिसमें सबसे ज़्यादा हम कैसे जिंदगी लोगों की परिवर्तन कर सकते हैं, इस लक्ष्य के साथ ये संस्था काम करें। मैं इस मौके पर आप सबको विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप दूर दराज के इलाके से यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आप में नई ऊर्जा देगा, कार्य करने की नई प्रेरणा देगा, आप नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ अपने लोगों की बेहतरीन के लिए काम करेंगे, उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए काम करेंगे और उनके साथ मिलकर समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के परिवर्तन करने में सहयोग करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बताना चाहेंगे कि अभी अभी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हैं, जिसमें हमारे श्री रामदास अठावले जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जुड़े हैं, और हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं श्री जगदम्बे पाल जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। अब इस सोच पर, जो सोच हमारे ऑनरेबल स्पीकर की है, उस सोच पर बस इतने दो लाइनें कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया, और हमें उम्मीद है ये कारवां बहुत देर तक चलेगा। अब मैं ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी से गुजारिश करूँगा कि वो खड़े हो जाएं, और यहाँ पर एक छोटा सा फेलिसिटेशन का सेरेमनी है, कुछ मोमेंटोज फेलिसिटेट करने हैं, सेलिब्रेट करने हैं यहाँ पर, तो आप प्लीज़ खड़े हो जाएं ताकि आज के दिन यहाँ पर ये मोमेंटोज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो पहला मोमेंटो जो है वो दिया जाएगा श्री मनोज सिन्हा जी को, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ज़ोरदार तालियां। ये मोमेंटो हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी देंगे। सर ये आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी से। तो मैं सेक्रेटरी जनरल साहब से गुजारिश करूंगा कि सामने आके आज बाकी मोमेंटोज यहां डिस्ट्रीब्यूट करें। अगला मोमेंटो श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के लिए, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ज़ोरदार तालियां इस मोमेंटो के लिए। तीसरा मोमेंटो श्री रामदास अठावले जी के लिए, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद अगला मोमेंटो जाएगा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के लिए, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के लिए मोमेंटो। इसके बाद अगला मोमेंटो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। ये प्राइड संस्था है। और इसके बाद अगला मोमेंटो श्री निर्मल कुमार सिंह जी के लिए, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी जोरदार तालियों में हम चाहेंगे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी की, वो यहां पर आके वोट ऑफ थैंक्स पेश करें डाइस पर आकर। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उपराज्यपाल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, श्रीनगर के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, श्री निर्मल कुमार सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, सभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबरान, बीडीसी तथा हल्का पंचायतों के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं सदस्यगण, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ उपस्थित हमारे आमंत्रित सभी
महानुभाव एवं देवियों, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सम्मानित सभी एडवाइजरगण, यूनियन टेरिटरी के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता जी एवं उनके सभी अधिकारीगण, मीडिया के समस्त सम्मानित साथीगण, लोकसभा सचिवालय के मेरे समस्त साथी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सभी देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार एवं आदाब। इस मौके पर मैं आप सभी सम्मानित महानुभावों और देवियों का इस आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तथा माननीय अध्यक्ष लोकसभा की इस पहल की हौसला अफजाई करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष लोकसभा की यह कोशिश रही है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था भारतीय संसद के साथ पंचायतों का संवाद और विचारों का आदान प्रदान बढ़े, इनके बीच की दूरी को घटाई जाए ताकि देश के ग्रास रूट स्तर पर जनतंत्र और स्वायत्तशासी मूल्य और अधिक ताकतवर हो सके। इसी उद्देश्य से देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। आज कई पैनल डिस्कशन आयोजित किए गए हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था के जरिए कैसे आवाम में खुशहाली और तरक्की लाई जा सके, कैसे ग्रास रूट लीडरशिप विकसित हो और ऐसे कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार होगा। मैं हमारे समस्त पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि इन डिस्कशंस में वो अवश्य शिरकत करें और अपने विचार भी रखें। पुनः आप सभी को लोकसभा सचिवालय की ओर से मैं यहां पधारने के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। दोस्तों, ये इफ्तिताही तकरीब जो आज की कॉन्फ्रेंस की थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई और इख्तिताम पज़ीर होने के साथ ही अब आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसके साथ साथ जो पंचेज है, सरपंचेज है, जो मेंबर्स हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो आज मिलेंगे पार्लियामेंट मेम्बरान से, आपस में बात करेंगे। ये सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा। 4 बजे हम दोबारा इसी ऑडिटोरियम में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर से आपको दोबारा आपसे रब्ता कायम करेंगे। जब तक के लिए हम ये इफ्तिताही तकरीब ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही आपको वापस लिए चलेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि KICC से आप तक हमारे साथी सुंदर अमन, मुश्ताक अहमद डार, IP सिंह और वसीम फारूक ये खिदमत आप तक पहुंचा रहे थे और ये लाइव प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे। और अगली आवाज़ होगी हमारे अनाउंसर की। ऑल इंडिया रेडियो आप सुनते रहिए।